स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा और काफी ज्यादा ऑर्गेनिक का, अगर जीओसी की बात करें तो और जीओसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है रेजोनेंस, ठीक है, और काफी अच्छा टॉपिक है ये। इस पे आज अपने डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट को जितनी भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो सारी की सारी प्रॉब्लम आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और आपसे ये प्रॉमिस है कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखें, और इस वीडियो को देखने के बाद में किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट नहीं रहेगा और कहीं से भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, रेजोनेंस को। क्योंकि इसके अंदर अपने क्या करेंगे, जितनी भी प्रॉब्लम होती है ना सबको अपने एक साथ मतलब कि यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे करेंगे अपने, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक इसको लेके चलेंगे रेजोनेंस को। और अभी तक क्या है कि हमने जो प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उनके अंदर हमने अपने क्या किया था, इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ा था। तो इंडक्टिव इफेक्ट की पहले तो अपने बेसिक प्रॉपर्टीज कवर की थी, ओके, और उसके बाद में हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, उनको सॉल्व किया था। तो आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर एक हेडिंग लिखवाई थी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, सबसे पहले पहले, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में क्या होता था कि चार प्रकार से ये इफेक्ट होता था। तो पहला था इंडक्टिव इफेक्ट जो कि हम कवर कर चुके हैं, दूसरा हम रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट भी कभी इसको बोलते हैं, तो वो मतलब कि हल्का सा या माइनर सा इसमें डिफरेंस होता है रेजोनेंस और मेसोमेरिक में, ठीक है, तो वो हम मेसोमेरिक्स के अंदर कवर कर लेंगे, नो प्रॉब्लम उसमें। थर्ड हम करेंगे हाइपरकॉन्जुगेशन, ठीक है, हाइपरकॉन्जुगेशन जो, और लास्ट जो है वो है मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो रेजोनेंस क्या होता है, ठीक है, और किस तरह से ग्रो किया जाता है, किस तरह से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है वो बनाई जाती है, कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकती है, हर कंपाउंड की क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है या नहीं बन सकती, तो मतलब कि क्या है कि ऐसे जो क्वेश्चंस है ना, तो वो आज यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेंगे अपने, ठीक है, वन बाई वन, ठीक है, हर पॉइंट को यहाँ पे लेके चलेंगे। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, रेजोनेंस जो है अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से आपको मैं यहाँ पे समझाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो क्या आप करते हैं, इसका इंट्रो ले लेते हैं कि रेजोनेंस का, ठीक है, इंट्रो के अंदर सबसे पहले एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से अच्छे से समझ में आता है आपको कि जो रेजोनेंस होता है ना यहाँ पे। फर्स्ट एग्जांपल से हमने जैसे स्टार्ट किया, सपोज दैट CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव यहाँ पे क्यों आया है, पॉजिटिव यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि इस कार्बन की जो वैलेंसी क्या है यहाँ पे फ्री है, चार वैलेंसी होती है, ठीक है, यहाँ पे कितने इसने बॉन्ड बना रखे हैं, एक बॉन्ड ये है और दो हाइड्रोजन है, इसका मतलब कि अभी भी एक वैलेंसी यहाँ पे क्या है, फ्री है, इसलिए यहाँ पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। आया कैसे है ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से कोई भी एच नेगेटिव, कोई भी एटम जो है एच नेगेटिव वो रिप्लेस हुआ होगा, ठीक है, तभी तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ओके, ठीक है। ये क्या है, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में क्या होते हैं कि एक तो सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक पाई बॉन्ड होते हैं, राइट, क्या होते हैं, एक सिग्मा होते हैं एक पाई बॉन्ड होते हैं। जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो काफी वीक बॉन्ड होते हैं, कैसे होते हैं, काफी वीक बॉन्ड होते हैं, काफी लूजली बॉन्ड होते हैं, इजली क्या होते हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, इजली ये डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं, किस तरह से, यानी कि यहाँ पे जो इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे, ठीक है, और अपने को एक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये लीजिएगा, ये वाली स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलेगी, यानी कि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ डिस्प्लेसमेंट हुए, यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे जनरेट हो गया, जहां से इलेक्ट्रॉन्स गए थे उस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्यों आ जाएगा, सेम फंडा, जहां यहाँ पे जैसे मतलब कि वेकेंट पी ऑर्बिटल थे या वेकेंट स्पीसीज थी, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर वेकेंट स्पीसीज जनरेट हो जाएगी, ठीक है, और ये वाला जो साइन है वो हम रेजोनेंस के लिए लगाते हैं, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप ये वाला एग्जांपल आपको समझ में आया होगा, ठीक है, नो डाउट,
और एग्जांपल लेते हैं अपने CH2 CH CH2 माइनस। ठीक है, यहां पे ये जो माइनस है आया कैसे, सबसे पहले तो ये जानिएगा यहां से क्या होगा, सपोज दैट कि यहां पे CH3 रहा होगा तो H प्लस जो एटम है वो रिप्लेस हुआ होगा, तभी तो यहां पे क्या है नेगेटिव चार्ज आया है ना। और एक बात और है, यहां पे जो नेगेटिव चार्ज होते हैं ना, नेगेटिव चार्ज क्या है कि दो इलेक्ट्रॉन रखता है, कितने इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन यहां पे इसके पास होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होते हैं कि इस पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह ये भी क्या होते हैं, काफी वीक होते हैं, नेगेटिव चार्ज हो या कोई लोन पेयर हो या कोई पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या होते हैं काफी वीक होते हैं, लूजली बॉन्डेड होते हैं। तो ये करते हैं, ये इनका जो वर्क होता है ना, जो इनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कि इजिली ये डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं। तो यहां पे जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, CH2 CH CH2। ठीक है, इन नेगेटिव चार्ज का जैसे ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, डबल बॉन्ड जनरेट हुआ और यहां पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहां तक समझ में है, बेसिक चल रहे हैं अभी तो स्टार्टिंग है कि रेजोनेंस अपने। आई होप दो एग्जांपल जो है अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की यहां पे हम बात करते हैं, कार्बोनेट आयन कुछ इस प्रकार से होता है, कार्बोनेट आयन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है CO3-2 कार्बोनेट आयन। सबसे पहले इसकी जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो अपने ड्रॉ कर लेते हैं, यहां पे कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है ना, अब यहां पे अपने को इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो करना है। ठीक है, किस किस तरह से यहां पे जो स्ट्रक्चर है वो बन सकती है या जो पॉसिबिलिटी है वो किस तरह से बन सकती है, यहां पे देखिएगा, ये अगर मैं नेगेटिव चार्ज यहां पे डिस्प्लेसमेंट कर दूं तो यहां के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो उस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देंगे। ठीक है, और यहां पे अगर डबल बॉन्ड और ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है एज इट इज रहेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया, तो यार कुछ भी नहीं किया, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ठीक है इसका क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए, यानी कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो गए। ठीक है, और यहां के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो ऑक्सीजन पे डिस्प्लेसमेंट हो गए, नेगेटिव चार्ज यहां पे जनरेट हो गया। ठीक, और एक पॉसिबिलिटी यहां पे ये भी बन सकती है कि सपोज दैट ये जो नेगेटिव चार्ज है अगर यहां पे, ठीक है, इसको बिल्कुल भी मतलब ये नहीं लाएंगे, अब देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इस बॉन्ड की ओर, तो जैसे यहां पे डिस्प्लेसमेंट हुआ तो डबल बॉन्ड जनरेट हुए और इसको हमने एज इट इज रखा। बताइएगा कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलेगी। ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर्स को अपने बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं अपने। ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, अब जैसे कि कार्बोनेट आयन है तो कार्बोनेट आयन के अंदर कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने को यहां देखने को मिल रही है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और इनमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इनमें भी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पे देखने को मिल रही है। और किसी भी कंपाउंड में क्या है कि कितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, वो आगे चल के देख लेंगे कि किस कंपाउंड में कितनी होती है, 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है, कितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो सकती है। ठीक है, हर कंपाउंड के अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होना कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि हर कंपाउंड में रेजोनेंस होना है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं होता। आई होप यहां पर जो भी इसका जो इंट्रो था वो समझ में आया होगा। ठीक है, चलिएगा अब हम क्या करते हैं कि कुछ जो पॉइंट है कुछ पॉइंट्स पे डिस्कशन कर लेते हैं रेजोनेंस के बारे में। ठीक है, तो रेजोनेंस के लिए जो फर्स्ट पॉइंट है वो लिखिएगा आप यहां पे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है यहां पे, या तो डिस्प्लेसमेंट या फिर शिफ्टिंग भी आप बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको हम बोल सकते हैं मोमेंटम। ठीक है, किसी भी नाम से आप इसको बुला सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, शिफ्टिंग या मोमेंटम।
ठीक है, ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट शिफ्टिंग मोमेंटम ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर्स विद इन द कंपाउंड। ठीक है, विद इन द कंपाउंड काफी इंपॉर्टेंट है ये, विद इन द कंपाउंड यानी कि यहां पे जो भी पाई इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कहां होगा, विद इन द कंपाउंड, ऐसे नहीं होगा कोई अदर कंपाउंड के अंदर। किसी एक कंपाउंड में अगर कोई मतलब कि अगर कोई रेजोनेंस चल रहा है किसी कंपाउंड के अंदर, पर्टिकुलर कोई कंपाउंड है उसमें अगर कोई रेजोनेंस चल रहा है तो ऐसा नहीं होगा किसी दूसरे कंपाउंड में भी रेजोनेंस साथ साथ में होता रहे, ऐसा कुछ नहीं होता, जंप करके नहीं जाता है। जिस कंपाउंड के अंदर हो रहा है सिर्फ उसी कंपाउंड में ही डिस्प्लेसमेंट या शिफ्टिंग होगी पाई इलेक्ट्रॉन्स की, राइट। सेकेंड पॉइंट यहां पे समझिएगा आप, ये वाला जो रेजोनेंस है वो क्या होता है कि इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस होता है। यहां पे कैसा होता है, यहां पे इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस होता है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट यहां पे देखिएगा, रेजोनेंस जो है वो एक हाइपोथियोटिकल फिनोमिना, रेजोनेंस क्या है कि एक हाइपोथियोटिकल फिनोमिना होता है, यानी कि प्रैक्टिकली इसको अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सपोज दैट कि ये मेरे पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, और इसका हम कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल के दौरान क्या होगा कि अपने को नहीं पता चलेगा कि इसमें जो रेजोनेंस हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है। ये तो क्या है कि एक प्रकार का इमेजिनेशन है, ठीक है ना, एक हाइपोथेटिकल है, सिर्फ काल्पनिक है, अपने सोच सकते हैं इसको कि इस तरह से कोई रेजोनेंस हो रहा है, कुछ इस तरह से हो रहा है, ये पॉसिबिलिटी बन रही है या ये वाली पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है, ऐसे करके ये जो रेजोनेंस है जो प्रैक्टिकली नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ थ्योरेटिकली है कि हम इस तरह से कोई हो सकती है, इस तरह से ड्रॉ की जा सकती है, ठीक है, प्रैक्टिकली कोई कुछ नहीं है। ये क्या है, हाइपोथियोटिकल फिनोमेना है, राइट। यहां तक आई होप आपको ये तीन पॉइंट यहां पे क्लियर हुए होंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये है कि जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है ना, जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है, हम बोल सकते हैं कि जो इन सब का जो मिक्सचर होता है, यानी कि ये सभी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलके एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स का निर्माण करती है या फॉर्मेशन करती है। यहाँ पे जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है वो क्या करती है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स, यानी कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स जो होती है वो क्या होती है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये जो हाइब्रिड जब बनता है या हाइब्रिड स्ट्रक्चर जब ये ड्रॉ होती है तो ये वाली जो स्ट्रक्चर्स एक्चुअल में कैसी होती है, रियल स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है, ये इमेजिनरी नहीं होती है, ठीक है। यहां पे अपने जो हाइपोथेटिकल से इसको बोल सकते हैं इमेजिनरी, ठीक है ना। जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसी होती है, रियल स्ट्रक्चर होती है, और ये क्या होती है कि ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और एक बात कि जिस भी कंपाउंड का अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे ना, तो उसके साथ साथ में अपने हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर्स है वो भी ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अभी तक आपने अगर पेन कॉपी नहीं उठाया तो उठा लीजिएगा, क्योंकि अब स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे मेन जो रेजोनेंस है, ठीक है ना। रेजोनेंस के अंदर क्या होगा कि जिस प्रकार से रेजोनेंस मतलब कि जहां पर भी पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी कैसे होगी, ठीक है, तो सारी अपने करके देखेंगे यहाँ पे जो भी पॉसिबिलिटीज बन रही है, ठीक है। तो साथ साथ में आप भी प्रैक्टिस जरूर करें, आप भी प्रैक्टिस क्या है जरूर करें यहाँ पे इस रेजोनेंस की, ठीक है, कैसे किस तरह से यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। एक बात और है यहाँ पे, एक पॉइंट और डाल लीजिएगा कि किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर कोई रेजोनेंस हो रहा है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं यहाँ पे कि अगर किसी भी कंपाउंड में अगर रेजोनेंस हो रहा है अपने को कैसे पता चलेगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टीज होती होगी ना उसकी, तो यहां पे हम बोल सकते हैं
जो रेजोनेंस है उसमें क्या होना चाहिए, मस्ट बी कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ठीक है। अब ये कॉन्जुगेशन क्या होता है अपने को ये भी पता होना चाहिए, जो कॉन्जुगेशन होता है सो दैट की ये हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, या फिर ये बेंजीन का हमारे पास कोई एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि डबल सिंगल, ठीक है, डबल सिंगल मतलब कि क्या है कि एक अल्टरनेटिव क्रम के अंदर या अल्टरनेटिव क्रम जो है, यानी कि डबल सिंगल इस तरह से अगर कोई रिएक्शन कोई प्रोसीड हो रही हो या इस तरह का जो कोई प्रोसेस हो रहा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेशन यहां पे बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। अगर ये कॉन्जुगेशन अगर इस तरह से प्रोसीड हो रहा है तो ये जो कॉन्जुगेशन है तो इसकी कुछ ना कुछ तो पॉसिबिलिटी होती होगी, और वही पॉसिबिलिटीज बताएगी कि रेजोनेंस कैसे या मतलब कि कैसे होता है या कैसे स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। यहां से कट करेंगे, अब देखिएगा जो कॉन्जुगेशन होता है अपने को कॉन्जुगेशन पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेशन होता क्या है, तो आपको मैं यहां पे बता देता हूं कि जो कॉन्जुगेशन होता है एक ये एग्जांपल है और एक ये एग्जांपल है, ठीक है। तो इस एग्जांपल में देखिएगा डबल सिंगल एक अल्टरनेटिव क्रम में है, इसमें भी देखिएगा डबल सिंगल, तो यहां पर भी क्या है एक अल्टरनेटिव जो क्रम है यानी कि डबल सिंगल का वो आ रहा है, ठीक है। तो इसी को अपने क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन बोलते हैं। अगर ये किसी भी कंपाउंड में है तो उसमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा, और उससे अपने इजिली क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं और हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या होते हैं कि कुछ पॉसिबिलिटीज होती है, ठीक है, वो अपने को समझनी है। तो यहां पे जो फर्स्ट, यहां तक ये कंप्लीट हुआ, यहां पे जो फर्स्ट जो पॉसिबिलिटीज है इस कॉन्जुगेशन के लिए, ठीक है, मतलब कि कॉन्जुगेशन के लिए यानी कि किस किस में कॉन्जुगेशन हो सकता है जिसके दौरान अपने को रेजोनेटिव स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलेगी। तो जो फर्स्ट यहां पे पॉसिबिलिटीज है वो है पाई सिग्मा पॉजिटिव या कोई वैकेंट स्पीसीज, वैकेंट पी ऑर्बिटल। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ CH2 पॉजिटिव, मतलब कि पाई सिग्मा कोई पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, रेजोनेंस मिलेगा, ठीक है, कॉन्जुगेशन है, बहुत अच्छे से कॉन्जुगेशन है इसमें, ठीक है। सेकंड जो पॉसिबिलिटी है यहां पे वो ये बन सकती है रेजोनेंस के दौरान कि पाई सिग्मा कोई नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हो, ठीक है, यहां पे कोई क्या हो, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हो, पाई सिग्मा कोई नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हो। और थर्ड यहां पे ये बन सकती है कि पाई सिग्मा कोई भी डॉट है ये, ठीक है ना, आई होप दिख रहा होगा। इस डॉट को हम बोलेंगे फ्री रेडिकल्स, आगे से हम डॉट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल्स, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल्स, ठीक है ना। फोर्थ यहां पे ये पॉसिबिलिटी बन सकती है पाई सिग्मा लोन पेयर, एलपी से डिनोट कर दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एलपी से डिनोट यहां पर कर दिया है लोन पेयर। इसके बाद में पाई सिग्मा और पाई, ये भी पॉसिबिलिटीज यहां पे बन सकती है। और लास्ट यहां पे ये पॉसिबिलिटी ये बन सकती है लोन पेयर सिग्मा या फिर कोई पॉजिटिव, ठीक है, लोन पेयर सिग्मा या कोई पॉजिटिव, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट में पढ़ेंगे। और जिसकी सीक्वेंस के अंदर आपको मैंने यहां पे इनकी पॉसिबिलिटीज बताई है, आपको भी क्या करना है कि उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग याद करना है, ठीक है, या तो क्या करना है, सिर्फ समझना ही है आपको, ठीक है, किस तरह से यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा या किस तरह से यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ हो रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि वन बाय वन एक एक को, ठीक है, एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है, चलिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे पाई सिग्मा पॉजिटिव, चलिएगा पाई सिग्मा पॉजिटिव या कोई भी वैकेंट पी ऑर्बिटल, ठीक
ठीक है। तो सबसे पहले अपने वही एग्जांपल ले लेते हैं जहां से अपने आज स्टार्ट किया था टॉपिक, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 पॉजिटिव चार्ज यहां पे, ओके। तो अब यहां पे क्या होगा, पाई सिग्मा पॉजिटिव है, कॉन्जुगेशन है इसमें, तो क्या होगा, रेजोनेंस यहां पे पॉसिबल है। ये जो पाई बॉन्ड है यानी कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहां पे वो क्या कर जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे, शिफ्टिंग हो जाएंगे इजीली यहां पे, तो अपने को यहां पे ये वाली स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, ओके। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में हम यहां पे आपको बताया था कि इसकी जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स है वो भी बनानी है साथ साथ में, और हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स किसको बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, CH2, 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 ठीक है ना। अब देखिएगा इस CH2 पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और इस CH2 पे भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहां पे भी आपको क्या है, पॉजिटिव, पास पे भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल रहा है, और इस CH2 पर भी आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल रहा है, और ये है पास भी डबल बॉन्ड, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स, जो कि रियल स्ट्रक्चर्स होती है वो इस तरह से देखने को मिलती है, ठीक है ना। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं यहां पे, ये वाला लीजिएगा। इस वाले में क्या होगा, सबसे पहले ये देखिएगा, ये क्या है, पाई बॉन्ड है, लूजली बॉन्डेड होते हैं, इजिली क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का, तो ये कुछ इस तरह से, यानी कि ये जो पाई बॉन्ड है वो इधर की ओर शिफ्ट हो जाएंगे और खुद क्या हो जाएंगे, ये वाला जो कार्बन खुद क्या हो जाएगा, वैकेट हो जाएगा, ठीक है ना, खाली यानी कि फ्री हो जाएगा। तो अब इसका अपने को क्या बनाना है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना है। तो हाइब्रिड के लिए क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे भी आया और इस कार्बन यानी कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कहां से लेके कहां तक आया, मतलब कि यहां से यहां तक कुछ इस प्रकार से, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा यहां पे, ये लीजिएगा, इसका रेजोनेंस अपने को बनाना है कि कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, और साथ साथ में देखिएगा यहां पे ये भी अपने को पता चल रहा है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बन रही है और कितनी यहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, ठीक है। यहां पे दो, यहां पे भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिल रही है। इस कंपाउंड में देखते हैं, ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज की ओर, मतलब कि यहां पे डिस्प्लेसमेंट होंगे, ठीक है। ये वाला जो बॉन्ड है वो तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, और यहां पे जो ये पाई बॉन्ड है वो कहां पर आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जहां से गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया, और क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, अगर ये वाले भी क्या करें, डबल बॉन्ड यहां पे आ जाए, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे ये वाला जो कार्बन है वो क्या वैकेंट है, तो वैकेंट की ओर ही जाएंगे ना, ये वैकेंट की ओर ही जाएंगे, ये जो पाई जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यानी कि इनका जो डिस्प्लेसमेंट या जो शिफ्टिंग होगी वो कहां होगी, इस वैकेंट की ओर होगी, वैकेंट कार्बन की ओर होगी। तो मैं इसकी स्ट्रक्चर्स यहां ड्रॉ करता हूं नीचे, ठीक है, तो ये लीजिएगा, और ये वाला तो एज इट इज है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो कितने स्ट्रक्चर अपने को यहां देखने को मिली है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे अपने को देखने को मिली है, और इसका अगर अपने को हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करना है तो कहां कहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे देख लीजिएगा, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे, यहां पे पॉजिटिव चार्ज अपने को देखने को मिला है, इस वाले कार्बन पे, ठीक है, ये देखिए, ये होता है इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है वो भी अपने यहां पे बताया, और किस तरह से यहां पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ हो रही है वो भी आपको यहां पे बताया, ठीक है। अब कुछ अपने साइक्लिक फॉर्म के अंदर जो एग्जांपल है उनको ले लेते हैं, ठीक है।
ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उन्हीं का ही डिस्प्लेसमेंट किया है, सिर्फ उन्हीं का ही डिस्प्लेसमेंट किया, और कुछ भी यहां पे नहीं किया आपने, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है यहां पे, बिल्कुल इजी है ये। चलिएगा नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा यहां पे। ये वाला है और यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें आप बताएंगे कि इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कितनी बनेगी और किस तरह से यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होंगे, इस पॉजिटिव चार्ज की ओर डिस्प्लेसमेंट होंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और इसकी जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि रियल होती है, वो कैसे बनेगी। पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे है और इस वाले कार्बन पे है, ठीक है, मतलब कि यहां से लेके यहां तक पॉजिटिव चार्ज अपने को देखने को मिल रहा है। आई होप आपको ये वाला एग्जांपल अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर। ठीक है, अब आपने चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। ये लीजिएगा, इस एग्जांपल को देखिएगा आप, ठीक है, और ये वाला जो एग्जांपल है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर काफी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वाला जो एग्जांपल है काफी देखने को मिलेगा आपको। तो इस वाले एग्जांपल में देखिएगा जो शिफ्टिंग है, यहां पे क्या है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहां पर क्या है, ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड क्या करेंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, 1y1 यहां पे समझ लेते हैं अच्छे से। डबल बॉन्ड यहां पे CH2 कहां से गया, मतलब कि इस कार्बन से गया, कैसा चार्ज आएगा, जहां से ये जा रहा है वहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना, और इसके अलावा ये जो डबल बॉन्ड है वो एज इट इज रहेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब ये वाले जो पाई बॉन्ड है या जो पाई इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, इस पॉजिटिव चार्ज की ओर यहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा, तो कुछ इस प्रकार से होगा, यहां पे ये एज इट इज रहेगा, ठीक है, जो सेम रहेंगे, मतलब जो एज इट इज रहेंगे उनको तो सेम रखेंगे, उनको तो हिलाना ही नहीं है आपको, ठीक है। ये जो बॉन्ड है कहां पे जा रहे हैं, इस पॉजिटिव चार्ज यानी कि यहां पे जा रहे हैं ये वाले, और यहां पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब देखिएगा, ये वाले जो पाई जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, यहां पे जाएंगे, मतलब कि इस पॉजिटिव चार्ज की ओर डिस्प्लेसमेंट होगा, यहां पे मैं यहां पे नीचे ड्रॉ कर रहा हूं। नेक्स्ट जो इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो एज इट इज रहेगा, और ये वाला जो क्या है वो यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा, यहां पे, और ये एज इट इज रहेगा। यहां तक समझ में है। अब देखिएगा, यहां पे ये जो डबल बॉन्ड है वो इस पॉजिटिव चार्ज की ओर डिस्प्लेसमेंट होगा, यहां पे शिफ्टिंग होगी पाई इलेक्ट्रॉन्स की, यहां पे ये तो एज इट इज रहेंगे, ठीक है, और ये जो पाई जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां हो गए, यहां पे, तो यहां पे फिर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे चलती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना, कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पर बनी है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पे मिल रही है, ठीक है, और इसका अगर हाइब्रिड अपने को बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, इसका हाइब्रिड देखिएगा, पॉजिटिव चार्ज कहां है, यहां पे, ठीक है, और यहां पे, और कहां कहां पे आपको देखने को मिल रहा है, यहां पे देखने को मिल रहा है, और यहां पे आपको देखने को मिल रहा है। ये लीजिएगा सर, अब देखते हैं कि अपने को यहां तक ये पता चलेगा कि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बन रही है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, हाइब्रिड इसका ये होता है, ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजिली यहां से बना सकते हैं। मैं फिर से यहां पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि देखिएगा, CH2 जो है इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, राइट, तो पॉजिटिव चार्ज है मतलब कि कोई वैकेंट स्पीसीज है, मतलब कि इसका जो, मतलब कि इसकी जो कार्बन की जो वैलेंसीज होती है 4 होती है,
ठीक है। और यहाँ पे कितनी है, दो है, तीन। यहाँ पे वैलेंस एक कम है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज करेगा क्या, इलेक्ट्रॉनों को लेगा, कहां से लेगा, पाई इलेक्ट्रॉन से, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और खुद कैसा हो गया, वैकेंट स्पेसिस हो गया। तो अब ये क्या करेगा, फिर दूसरों से मांगेगा, अरे मांगेगा ही ना, और क्या है, बीच में मांगेगा और क्या करेगा ये। और इसके बाद में देखिएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब इस पॉजिटिव चार्ज को फिर कोई ना कोई एक पाई इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रॉन देगा इसको, फिर ये न्यूट्रल हो गया। इसके बाद में क्या होगा, फिर देखिएगा, यहां से निकला, यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पॉजिटिव चार्ज को फिर से न्यूट्रल करने के लिए क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है वो क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे। फाइनली क्या अपने को ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। ठीक है, और अपने को क्या कि फाइव हाइड्रेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलती है, और इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर यानी कि जो रियल स्ट्रक्चर होती है वो ये देखने को मिल रही है। यहाँ पे अपने को क्या है कि एक, ये मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूं इसको, सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस स्ट्रक्चर के अंदर देखने को, ठीक है, वो ये है कि यहाँ पे देखिएगा, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ कहाँ पे, किस किस पोजिशन पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं यार। देखिएगा, इस कार्बन की रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन ऑर्थो, ये मेटा और ये पेरा, दो ऑर्थो होते हैं, दो मेटा होते हैं और एक पेरा होता है। ठीक है, ये तो क्लियर होगा आपको, ठीक है पहले से। अब ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है कहाँ कहाँ है, इनकी जो पोजिशन है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे जो जब अपने रिएक्शन मैकेनिज्म करेंगे ना तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, और हाँ अपने इसकी जो स्टेबिलिटी ऑर्डर अपने डिफाइन करेंगे तो उस दौरान भी अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, कि पॉजिटिव चार्ज जो है कौन से पोजिशन पे यहाँ पे मेंशन हो रहा है। ये देखिएगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन पे है, यहाँ पे पैरा पोजिशन, ऑर्थो पोजिशन, ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है वो अपने को ऑर्थो पोजिशन और पैरा जो पोजिशन है वहां पे देखने को मिल रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई अटैकिंग जो स्पीसीज यानी कि कोई नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, जैसे कि Br माइनस, ठीक है, I माइनस, ये क्या है कि जो अटैकिंग जो स्पीसीज होगी वो क्या होगी, कहां पे जाके अटैक कर सकती है, या तो ऑर्थो पोजिशन पे या फिर पैरा पोजिशन पे अटैक कर सकती है। यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है वो कौन सी पोजिशन पे यहाँ पे अटैक करेगी, तो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे यहाँ पे अटैक करेगी, मेटा पोजिशन पे यहाँ पे अटैक नहीं करेगी। अरे मेटा पे तो यहाँ पे कोई, मेटा पे तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज आ ही नहीं रहा है ना, पूरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ करके देख ली है। ठीक है ना, तो यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये तब था हमारा फर्स्ट पॉसिबिलिटी, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये यहां तक क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चलिएगा, सेकेंड है पाई सिग्मा और नेगेटिव चार्ज। तो पाई सिग्मा नेगेटिव, फर्स्ट एग्जांपल तो अपने वही ले लेते हैं जो कि स्टार्टिंग में हमने दिया था, यहां पे ये लीजिएगा। तो आपको मैंने यहाँ पे ये बताया था कि जो नेगेटिव या जो लोन पेयर्स या जो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि वीकली होते हैं, काफी लूजली होते हैं, ठीक है, लूजली बॉन्डेड होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉनों को डिस्प्लेसमेंट करते हैं और फाइनली हमें एक न्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो इसका आप हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, CH2CH2, राइट, सबसे पहले डबल बॉन्ड यहां पर भी है और यहां पर, मतलब कि ये ना, ठीक है, ये लीजिएगा, डबल बॉन्ड को अपने डॉट से शो कर दिया, और जो नेगेटिव चार्ज है इस कार्बन पे भी है और नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे भी है, यानी कि ठीक, ये लीजिएगा नेगेटिव चार्ज। ये होगी इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है, काफी सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें तो। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, पाई सिग्मा, यानी कि देखिए पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं।
ये लीजिएगा। इस वाले एग्जांपल में देखिएगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ठीक है, वो क्या करेगा, यहां पे डबल बॉन्ड और ये आगे वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहां पे ठीक है। ये डबल बॉन्ड यहां पे और ये वाला जो है डबल बॉन्ड वो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा ठीक है। और फाइनली इसकी जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगी, डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे भी है और इस कार्बन, यानी कि इस और इस दोनों कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है और डबल बॉन्ड पूरी रिंग के अंदर है ठीक है। मतलब कि कॉन्जुगेशन में है, तो कॉन्जुगेशन के लिए यानी कि पूरे कॉन्जुगेशन मतलब पूरी रिंग के अंदर अगर कॉन्जुगेशन हो तो कुछ इस प्रकार से इसको डिनोट करते हैं। ये बता दीजिएगा एग्जाम्पल, तो इस वाले एग्जाम्पल के अंदर भी आप बताएंगे, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे आप ठीक है। और चलिएगा सबसे पहले तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बता देते हैं, फिर एक होमवर्क है आपके लिए ठीक है। देखिएगा इस वाले एग्जाम्पल में क्या होगा, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, यहां पे इस सिंगल बॉन्ड की ओर इलेक्ट्रॉनों को क्या डिस्प्लेसमेंट करेगा और ये फिर आगे फर्दर इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज यहां पे जनरेट करेगा। अच्छे से समझ लीजिएगा इस वाले एग्जांपल को, बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये लीजिएगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है यहां पे डबल बॉन्ड क्रिएट किया और इस डबल बॉन्ड ने यहां पे नेगेटिव चार्ज ठीक है ना। जितनी भी स्ट्रक्चर्स बनती है या हम बोल सकते हैं कि जितने भी यहां पे पॉसिबिलिटीज बनती है वो सारी सारी अपने यहां पे ड्रॉ करके देखेंगे ठीक है ना। अब क्या करेगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है यहां पे बना सकता है डबल बॉन्ड और ये जो नेगेटिव जो डबल बॉन्ड है वो इस कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से। और कोई भी स्ट्रक्चर क्या है कि सेम नहीं होने चाहिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होती है कि ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होती है वो डिफरेंट होती है ठीक है, कोई भी सेम नहीं होती है यहां पे, ध्यान रखना इस बात का ठीक है। और इसका अगर हाइब्रिड बनाना चाहे हम तो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे भी इस पे भी मतलब नेगेटिव चार्ज क्या तीनों कार्बन पे हैं और जो डबल बॉन्ड है वो पूरी रिंग के अंदर होगा ठीक है ना। यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा ठीक है। अब एक अपने क्या करते हैं, आपके लिए एक होमवर्क देते हैं सबसे पहले तो ओके स्टूडेंट्स, आपके लिए क्या है कि एक होमवर्क है तो कोशिश करेंगे कि आप अभी इसको निपटा दें ठीक है ना। और जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको अभी मैंने ड्रॉ करवाई है तो वो आप कोशिश करेंगे कि आप फिर से एक बार लिख लिख के जरूर देखें, प्रैक्टिस करें इसकी ठीक है। तो इस वाले एग्जांपल के अंदर आपको ये बताना है कि इसमें कितनी रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर वो आपको देखने को मिलेगी ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल भी हो गया ठीक है, साथ में हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी आपको बनानी है। NH3+ ठीक है, तो ये वाला है। तो इन दोनों एग्जांपल के अंदर वीडियो को पॉज करके एक बार आप ट्राई करें यहां पे कितनी कितनी यहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है और यहां पे इसकी जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर यानी जो रियल स्ट्रक्चर है वो भी आप यहां पे ड्रॉ कीजिएगा ठीक है। इसको पॉज करके वीडियो को आप ट्राई कीजिएगा, तब तक मैं यहां पे आपको बता देता हूं। तो देखिएगा यहां पे होगा क्या, यहां पे ये होगा कि यहां पे क्या पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, यानी कि पॉजिटिव का यहां पे क्या मतलब है कि वैकेंट स्पीसीज है। तो वैकेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो डिस्प्लेसमेंट होंगे यहां पे। तो ये लीजिएगा और यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये दोनों एज इट इज रहेंगे ठीक है, यहां तक समझ में आया। उसके बाद में क्या करेंगे, ये वो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पॉजिटिव चार्ज की ओर क्या होंगे, डिस्प्लेसमेंट होंगे ठीक है। ये वाला एज इट इज, ये वाला भी एज इट इज ठीक है। और ये वाला जो है कहां पे शिफ्ट हुआ था, यहां पे, और कहां से गया था ये, इस वाले कार्बन से ठीक है। क्या और भी स्ट्रक्चर बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, नो प्रॉब्लम इसमें ठीक है। तो इस वाले में देखिएगा सेम मतलब कि एज इट इज रहेगा, कोई इसमें चेंजेस नहीं होंगे।
ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे शिफ्ट हो रहे हैं, यहां पे होंगे, ठीक है ना। और यहां पे फिर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिएगा, यहां तक समझ में आ गया ना। अब देखिएगा क्या होगा कि ये वाले जो डबल बॉन्ड हैं, ठीक है, तो ये वाले जो डबल बॉन्ड होंगे फिर से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को यहां पे पॉजिटिव चार्ज को दे देंगे और फाइनली अपने को क्या स्ट्रक्चर यहां पे देखने को मिल जाएगी, इस प्रकार की स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सभी स्टूडेंट का क्या ऐसे आंसर है, क्या यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है? अगर नहीं बनाई तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिखें कि सर हमें यहां पर प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें फिर से बताएं, ठीक है ना। जो भी प्रॉब्लम आए, चाहे छोटी सी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, ठीक है, हर प्रॉब्लम आपके साथ में शेयर की जाएगी, ठीक है। तो कहीं भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो कि सर यहां से समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनी है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जाइएगा और अपनी जो प्रॉब्लम है वो शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। इसके अंदर अपने को फाइव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसका अगर हाइब्रिड भी बनाना चाहेंगे, ठीक है, तो हाइब्रिड क्या होगा इसका, तो हाइब्रिड देखिएगा, पॉजिटिव चार्ज कहां कहां आया है, इस वाले कार्बन पे, ये लीजिएगा, और इस वाले कार्बन पे, ठीक है, और इस वाले कार्बन पे, मतलब कि पूरी रिंग के अंदर क्या है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, ये लीजिएगा, यानी कि कॉन्जुगेशन के अंदर है, तो ये इसकी रहेगी हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब ये वाला जो एग्जांपल है वो ट्राई कीजिएगा, काफी अच्छा एग्जांपल है, ये इंपॉर्टेंट है और मैंने यहां पे स्टार भी लगाया है, ठीक है। जब भी मैं इंपॉर्टेंट लिखूं, जब भी मैं कुछ ना कुछ स्टार लगाऊं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ लोचा है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या होगा, कुछ ना कुछ लोचा होगा, ठीक है, मतलब कि जितने भी स्ट्रक्चर अब तक बनाए हैं, बिल्कुल सिंपल जितने भी स्ट्रक्चर यहां पर ड्रॉ की गई है, वैसी तो होनी नहीं है, अगर वैसी होती तो उनपे भी स्टार लगता, ठीक है, कॉमन सेंस, ठीक है। आप देख लीजिएगा यहां पे इस स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है। आई होप ये वाला जो एग्जांपल आपको समझ में आया होगा, वैसे तो होमवर्क के लिए था, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस वाले एग्जांपल में देखिएगा, इस वाले एग्जांपल को इंपॉर्टेंट क्यों बोला गया है, क्यों इस पे स्टार लगा है, अगर इसके लिए बोला जाए कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पे बनेगी, तो आंसर आएगा ये वाला। कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको यहां नहीं देखने को मिलेगी और जीरो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं यहां पे, उसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है, पहले तो आप खुद ही समझने की कोशिश कीजिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो चलिए यहां पे मैं आपको बता देता हूं विदाउट टेस्ट किए हुए। तो यहां पे जो नाइट्रोजन है, सबसे पहले तो ये देखिएगा कि ये वाला जो नाइट्रोजन है इसके पास में वैलेंसी कितनी है, तीन, ये एक चार, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है यहां पर, ठीक है। ऑलरेडी इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, चार बॉन्ड बना रखे हैं, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि जो नाइट्रोजन होता है उसकी वैलेंसीज कितनी होती है, थ्री होती है, ठीक है ना। नाइट्रोजन की होती है थ्री वैलेंसीज होती है, बट यहां पे क्या है कि चार वैलेंसीज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। अगर यहां पे मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड को इस पॉजिटिव चार्ज की ओर अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट करवाया, ठीक है, NH3 कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये बनेगा। अरे यार, अभी ये जो नाइट्रोजन हो क्या हो गया, पेंटावेलेंट नाइट्रोजन हो गया, क्या हो गया, पेंटावेलेंट, जो कि नहीं बन सकता, नेवर। नाइट्रोजन कभी पेंटावेलेंट देखा आपने क्या, नहीं होता, वैलेंसी से नहीं होती है, अनस्टेबल हो जाएगा कंपाउंड के, जब कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा तो कहां से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया पाएगा,
ठीक है। तो ये वाली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ऐसे क्रॉस करा दीजिएगा इस पे, ठीक है, कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि नेवर पेंटावेलेंट, ठीक है, जो नाइट्रोजन है वो कभी भी पेंटावेलेंट नहीं रखता, पेंटावेलेंट वैलेंसी जो होती है उसकी नहीं होती है। तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो नहीं देखने को मिलेगी और इसका आंसर आएगा जीरो, ठीक है, जीरो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको यहां देखने को मिलेगी। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट पे अपने चलते हैं। अभी जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो है पाई सिग्मा लोन पेयर, ठीक है। पाई सिग्मा लोन पेयर से यहां पे क्या मतलब हो गया कि देखिएगा, यहां पे हमने कोई भी एग्जांपल लिया CH2 डबल बॉन्ड CHONS2 जिसपे क्या है लोन पेयर है, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि जो लोन पेयर होते हैं वो भी क्या होते हैं, वीक होते हैं या लूजली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। इनका भी क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करना, ठीक है। और फाइनली अपने को क्या स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज CHNH2, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है पेंटावेलेंट नहीं है, ध्यान से देख लेना इसको, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है, ये पेंटावेलेंट नहीं है, इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। और देखिएगा नाइट्रोजन की आपको मैंने वैलेंसीज यहाँ पे कितनी बताई थी, कितनी होती है 3 वैलेंसीज होती है। यहाँ पे वैलेंसीज कितनी है, एक बात बताइए मुझे, लोन पेयर किसके थे, खुद के थे, मतलब कि नाइट्रोजन खुद एटम के लोन पेयर थे। अब एक बात बताएं, जब अपने खुद के इलेक्ट्रॉन अगर किसी को देगा तो खुद पे तो कोई ना कोई मतलब कि चार्ज आएगा ना, खुद के जो इलेक्ट्रॉन अगर किसी को देगा तो खुद तो अपने खुद तो रिड्यूस तो होगा, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिएगा, रिड्यूस यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, अगर नाइट्रोजन जो है खुद के अगर इलेक्ट्रॉन या खुद के जो लोन पेयर अगर किसी को दे रहा है तो कैसा चार्ज आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है, ठीक है, कितनी वैलेंसीज रख रहा है, यहाँ पे 4 वैलेंसीज रख रहा था, ठीक है, वैसे भी अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बात और, जितने भी अभी हमने कंपाउंड जितने भी हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ की है उन किसी के अंदर भी ये न्यूट्रल नहीं था। न्यूट्रल से क्या मतलब होता है कि कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। ये वाले जो स्पीसीज है वो कैसे है, न्यूट्रल स्पीसीज है यहाँ पे, और ये वाले भी कैसी स्पीसीज है, न्यूट्रल स्पीसीज है, मतलब कि जैसी स्पीसीज लेंगे वो आगे रेजोनेंस के थ्रू या रेजोनेंस स्ट्रक्चर जैसे भी बनेगी वो वैसी ही बनेगी। अगर न्यूट्रल ली है तो न्यूट्रल बनेगी, चार स्पीसीज ली है तो चार स्पीसीज ही बनेगी। एक बात और, अगर अपने को यहां पे क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक कैसे, मतलब कि क्रॉस चेक का मतलब ये हो गया कि जैसे कि हमने ये वाला कंपाउंड लिया है, ठीक है, इस कंपाउंड के अंदर अपने को ये चेक करना है कि ये अगर न्यूट्रल है तो फाइनल हमें न्यूट्रल ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। अगर न्यूट्रल नहीं मिल रही, मतलब कि अगर यहाँ पे भी कोई नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आ जाती तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाता तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है, समझ में आया ये चीज, ठीक है। मैं फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखिएगा अगर हमारे पास में यहाँ पे कोई चार्ज स्पीसीज होती, देखिए ये वाली देख लीजिएगा, हमारे पास में कोई अगर चार स्पीसीज है, ठीक है ना, कितने चार्ज है इस पे, 1 चार्ज है ना, ठीक है। जब इसकी क्या होगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के दौरान ये लीजिएगा, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के दौरान क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा कुछ इस प्रकार से, और फाइनली हमें देखिएगा कितने चार्ज है हमारे पास, यहाँ पे केवल एक ही है, कितने चार्ज है यहाँ पे, केवल एक ही चार्ज देखने को मिल रहा है। और स्ट्रक्चर बनने के दौरान यानी कि रेजोनेंस होने के दौरान यहाँ पे फिर भी कितना चार्ज देखने को मिल रहा है, 1 देखने को मिल रहा है, आया समझ में। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, रॉन्ग है, ठीक है, वो अपने क्या है कि क्रॉस चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक बात, रेजोनेंस के अंदर क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना सिर्फ उन्हीं के क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, देख लीजिएगा ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ
इलेक्ट्रॉन का ही यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट होगा, एटम का नहीं होता। मैं फिर से यहाँ पे बता दे रहा हूं आपको कि रेजोनेंस के अंदर जितने भी अभी तक हमने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं उन सब में क्या हो रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे क्या हो रहा है, मोमेंटम हो रहा है, ठीक है, किसी भी नाम से आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान देना, इसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है स्टूडेंटों को कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का सॉरी यहाँ पे एटम का डिस्प्लेसमेंट किया जाए या इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किया जाए। अगर किसी एटम का आप डिस्प्लेसमेंट करोगे तो यार वो तो टोटोमेरिज्म हो जाएगा। टोटोमेरिज्म क्या होता है और रेजोनेंस क्या होता है? तो रेजोनेंस तो होता है कि इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर टोटोमेरिज्म की बात की जाए तो टोटोमेरिज्म में क्या होता है कि कोई भी एटम जो होता है ना वो डिस्प्लेसमेंट होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे मैं समझाता हूँ। तो ये एग्जाम्पल तो क्या हो गया, रेजोनेंस का हो गया, मतलब कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जो क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एटम तो जितने हैं उतने रहेंगे ना फाइनली, ठीक है। और जो टोटोमेरिज्म जो होता है, एसिटिक एसिड ले लेते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 कोई भी नंबरिंग दे दो, ठीक है। इस ऐसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको CHO, ऐसा ही तो होता है, ओपन करके लिखा है, ठीक है। ये क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन मतलब कि जैसे यहां पे क्या हुआ, प्रोटोमेरिज्म हुआ, प्रोटोमेरिज्म के दौरान CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, कुछ इस प्रकार से अपने को स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। अब हुआ क्या था, यहां पे CH3 था, यहां से क्या हुआ, एक हाइड्रोजन यानी कि एक एटम, एटम की बात कर रहा हूं यहां पे, इलेक्ट्रॉन्स की यहां पे मैं बात नहीं कर रहा। तो एक एटम क्या होगा, इस ऑक्सीजन पे जाके अटैच हो जाएगा और यहां पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहां पे डबल बॉन्ड जनरेट कर देंगे, ठीक है। इनको बोलते हैं अपने टोटोमेरिज्म, ठीक है। तो टोटोमेरिज्म में क्या होते हैं कि जो एटम्स होते हैं ना उनका डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। और जो रेजोनेंस होता है वहां पे क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। आई होप इतना समझ में आया होगा। तो ये जो दो पॉइंट आपको मैं लिखवा देता हूँ, जो भी आपको बोले तो नोट करके आप ये पॉइंट लिख लीजिएगा, बहुत काम की चीज है ये, ठीक है ना। अगर किसी भी रेजोनेंस को आपको पोस्ट चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं कि हाँ ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है, सही है या गलत है। तो क्या बोलेंगे अपने, द टोटल चार्ज ऑन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट बी इक्वल, क्या द टोटल चार्ज ऑन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी इक्वल, ठीक है। ये चीज आपको मैंने बता दी है, न्यूट्रल लिया तो न्यूट्रल बनेगी, ठीक है। जितने चार्ज स्पीसीज की है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, जितने मतलब कि जितने चार्ज होंगे रेजोनेंस मतलब कि स्ट्रक्चर बनने के दौरान भी क्या होंगे, उतने ही आपको क्या मिलेंगे, चार्ज स्पीसीज मिलेगी, ठीक है ना। अगर कम ज्यादा हुई तो वो रेजोनेटिंग क्या स्ट्रक्चर गलत है। तो सेकेंड पॉइंट आप ये लिखेंगे यहां पे, पोजिशन ऑफ एटम, पोजिशन ऑफ एटम मस्ट नॉट चेंज, ठीक है ना। एटम की पोजिशन को यहां पे चेंज नहीं करना, रेजोनेंस पढ़ रहे हैं, टोटोमेरिज्म नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। एटम की जो पोजीशन है उसको चेंज नहीं करना, इलेक्ट्रॉन्स को चेंज करना है। जितने भी एग्जांपल्स लिए हैं उन सब में क्या है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे उन्हीं का ही डिस्प्लेसमेंट करवाया है हमने, एटम का नहीं करवाया हमने, ठीक है ना। तो ये जो दो रूल आपको जो लिखवाए हैं, जो नोट लिखवाए हैं, इनको अच्छे से रीड करेंगे आपको, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है ना। और अभी तीन पॉसिबिलिटी इस चीज की और बच गई है, ठीक है। तो लोन पेयर हो गया, ठीक है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज और पाई सिग्मा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हो गई है, ठीक है। फ्री रेडिकल्स की यहाँ पे बच गई है, ठीक है, और पाई सिग्मा पाई बच गया है और लोन पेयर सिग्मा और पाई, सॉरी लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज बच गई है, ठीक है। और इसके बाद भी हम जो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो निकालते हैं रेजोनेंस से रिलेटेड, ठीक है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं अक्सर, ठीक है, एग्जामिनेशन के अंदर,
तो उनको भी अपने डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक वीडियो और आएगी इसकी रेजोनेंस की, तो उसके अंदर पूरा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है, अपने स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। और जितने भी प्रॉब्लम्स होगी वो उस वीडियो के अंदर देख ली जाएगी। और तो यहाँ पे क्या है कि जितने भी कॉन्सेप्ट थे आपको, बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे आपको क्लियर करवा दिए गए हैं कि इससे रिलेटेड मतलब कि कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ से ड्रॉ की जा सकती है, कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है। तो आई होप आज का वीडियो जो है आपके लिए काफी अच्छा रहा होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकता है। अगर किसी को कुछ भी अगर नहीं समझ में आए तो वो भी आप हमें बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। जय हिंद।